किसी नगर में भानु प्रताप नाम का एक राजा रहता था। उसके राज्य में खुशहाली थी, सभी लोग मेहनती और ईमानदार थे। उसी नगर में एक पंडित भी रहता था, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता सूझबूझ के कारण काफी प्रसिद्ध था। राजा ने उस पंडित को अपने पास बुलाया। पंडित राजा के पास गया। राजा के पास बैठकर पंडित ने अपनी सूझबूझ का प्रदर्शन किया। राजा ने भी उस पंडित से अनेक प्रश्न किए, तर्क वितर्क किया, कई धार्मिक बातें भी की। आपके घर में आपके साथ साथ और कौन रहता है? 5 वर्ष पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया था। अब घर में मैं और मेरा बेटा रहते हैं। बेटा पाठशाला जाता है। राजा पंडित से बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सारे उपहार देकर विदा किया। राजा के अनेक सैनिक और मंत्री अपने अपने विभाग में काम करते थे। उन्हीं सैनिकों में से 2-3 सैनिक ऐसे भी थे जो लोगों को परेशान किया करते थे। एक दिन की बात है कि पंडित का बेटा पाठशाला की तरफ जा रहा होता है। वो सैनिक पंडित के बेटे को देखकर, अरे देखो बुद्धिमान पंडित का बेटा आ रहा है, जरा देखें कि बेटा बाप की तरह बुद्धिमान है भी या नहीं। आओ आओ। क्या जरा रुको बरखोदार, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे हटो मेरे रास्ते से, जाने दो, पाठशाला के लिए देरी हो रही है। जाने देंगे, चले जाना अपनी पाठशाला, बस हमारे कुछ सवालों के उत्तर दे दो फिर चले जाना। अच्छा ठीक है, पूछिए, आप लोगों को क्या पूछना है? ये देखो हमारे एक हाथ में सोने का सिक्का है और दूसरे में चांदी का। अच्छा सोने और चांदी में से बहुमूल्य धातु कौन सी है बताओ, और वो सिक्का तुम्हारा। सैनिक की बात सुनकर पंडित के बेटे ने जरा सोचा। चांदी बहुमूल्य धातु है, ये सुनकर सैनिक हंसने लगे और चांदी का सिक्का उसे दे दिया। सैनिकों ने पूरा वाक्य राजा को जाकर बताया। तुम उस पंडित के बेटे को बार बार पूछते रहो कि सोने और चांदी में कौन सी धातु बहुमूल्य है। सैनिक हर रोज पंडित के बेटे को पाठशाला जाते हुए वही सवाल करते कि बताओ सोना या चांदी में से बहुमूल्य धातु कौन सी है। पंडित का बेटा हर बार चांदी को बहुमूल्य बताकर सिक्का ले जाता था। इस बात को कई महीने बीत गए। राजा से रहा नहीं गया, उसने पंडित को अपने पास बुलाया। और सारा वृतांत बताया। पंडित भी ये सुनकर हैरान हो गया और राजा से आज्ञा लेकर वो घर आ गया। घर पर बेटा पढ़ाई कर रहा था। बेटा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि सोने और चांदी में से अधिक मूल्यवान सोना है या चांदी, तो तुम किसे कहोगे? पिताजी सोना चांदी से अधिक मूल्यवान है। तो बेटा राजा के सैनिकों ने तुमसे कई बार पूछा, तब तुमने उनको चांदी को मूल्यवान क्यों कहा? पिता के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसने कहा, हाँ पिताजी, वो सैनिक रोज मुझे तंग किया करते थे और एक ही प्रश्न मुझसे बार बार करते थे। मैं चांदी को मूल्यवान बताता था, जिससे वो मुझे चांदी का सिक्का दे देते थे। अगर मैं सोने के सिक्के को मूल्यवान बताता तो वो अगली बार मुझे सोने का सिक्का नहीं देते। वो अपने पिता को उन सिक्कों के पास ले गया जो उसने अपनी बुद्धिमत्ता से इकट्ठे किए थे। पंडित राजा के पास गया और सारा किस्सा सुनाया। राजा बहुत खुश हुआ। मेरे बेटे ने चतुराई से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक सोने के सिक्के के स्थान पर ढेरों चांदी के सिक्के इकट्ठे कर लिए, जिनकी कीमत एक सोने से कई गुना ज्यादा है। राजा पंडित के बेटे की चतुराई पर बहुत खुश हुआ और उसे अपने राज्य का प्रमुख सलाहकार घोषित कर दिया।